नमस्कार दोस्तों, रावण स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो आज इन्वेस्ट करो कल आराम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है HDIL यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। प्राइस लगभग यहाँ पे 4.5 रुपए के आसपास है। तो कंपनी को वापस से एक बड़ा झटका देने वाले ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रहे। न्यूज को इस वीडियो में पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले। उससे पहले बिग डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी स्टॉक लेते तो खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं, लेकिन रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी रहते हैं। अगर कंपनी सक्सेसफुल यहाँ पे एनसीएलटी से बाहर आते तो स्टॉक में यहाँ पे बहुत ही बड़े यहाँ पे उछाल आ सकते। जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा, जो यहाँ पे HDIL का जो बिजनेस है ऑलरेडी डूबा हुआ बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा कर्जे में कंपनी, वापस से बहुत सारे स्कैम चल रहे, मैनेजमेंट ने स्कैम किए थे। तो अलग अलग यहाँ पे जो कंपनी स्ट्रगलिंग मोड से जा रहे, तो आगे जाकर अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है, जैसे कि अदानी का नाम सामने आ रहा था, तो वापस से अगर कोई बड़ा प्लेयर इसको खरीदने की न्यूज़ सामने आते तो स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली आने के यहाँ पे चांसेस है। तो अभी तक फिलहाल जो HDIL का बिजनेस है यहाँ पे बंद है। आगे जाके अगर कोई बड़ी कंपनी खरीद लेते तो वापस से कंपनी में जा ना सकते, स्टॉक में थोड़ी बहुत उछाल आ सकते आने वाले समय में। जो आज का ब्रेकिंग न्यूज देख लेते हैं अभी, तो यहाँ पे आप लोगों को पता रहेगा जो महाराष्ट्र में कल के दिन में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही थी, जो शिवसेना के जो लीडर है और जो MP है संजय राउत जी करके, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था कल के दिन। यहाँ पे 7:30 बजे संडे के दिन ED ने यहाँ पे उनके घर के ऊपर रेड डाला था। लगभग 12 ED के ऑफिसर यहाँ पे इनके घर पे चले गए थे और उन्हें कुछ छानबीन करने के बाद इनको अरेस्ट किया है कल के दिन में। जैसे कि उनको अरेस्ट करने के पीछे जो वजह थी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। जो संजय राउत उनकी वाइफ है यहाँ पे वर्षा राउत जी करके, इनका और जो यहाँ पे जो वाधवन करके थे राकेश और जो सारंग वाधवन है, यहाँ पे इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन पाए गए पैसों के, इसके वजह से इनको यहाँ पे अरेस्ट किया कल के दिन में। जो भी केस है 2010 का केस है, जैसे कि HDIL की अलग से एक सब्सिडी थी, यहाँ पे मुंबई में काम कर रही थी यहाँ पे स्लम एरिया में, तो यहाँ पे इनके बीच में ट्रांजैक्शन पाने के कारण यहाँ पे उनको अरेस्ट किया। जो मामला है 83 लाख का मामला है, जो भी 83 लाख है यहाँ पे संजय राउत जी ने यहाँ पे अपना फ्लैट खरीदने के लिए यूज़ किया है, ऐसा ED का कहना है। देखिए ऐसे स्टॉक में जब रैली करवाते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर कुछ खराब न्यूज़ आता है इसको डंप किया जाता है, अगर कोई अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ आते है वापस इसको पंप किया जाता है। तो पंप एंड डंप वाला मामला रहता है। कभी भी ऐसे स्टॉक में ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है यहाँ पे डूबा हुआ बिजनेस है। अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है और इसको खरीद लेता है तो वापस से स्टॉक में बहुत ही बड़ी रैली आ सकती है, अपर सर्किट लग सकते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ पे अगर इसमें उछाल चाहिए तो एक अच्छे न्यूज़ की जरूरत है, तभी यहाँ पे स्टॉक में रैली आ सकती है। अभी तो यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा, ऑपरेटर जब चाहे इसको पंप एंड डंप कर सकते हैं। तो आप अगर आप पुराने शेयर होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए NCLT क्या डिसीजन देते हैं। अगर आप नए फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट हेवी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप स्टॉक में अटक सकते हैं। सिर्फ 4 रुपये का स्टॉक है, आगे जाके 8 रुपये हो जाएगा। इस उम्मीद में अगर आप स्टॉक में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक गलत स्ट्रैटेजी है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी स्ट्रैटेजी फेल हो जाते तो आप पूरा यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे खुद का स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, उसके बाद बाय और सेल का डिसीजन ले सकते हैं।